नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सलाम। मैं साजन जुमन ढेनवाल, साजन होमनेटरी वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन। जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त जो है तमाम सैनिटरी वर्कर आपके देखे बैक साइड पे, ये सामने मेरे बैक साइड पे खड़े हुए, इनके मसले मिसाइल जो है वो पूरे सिंध के अंदर हर गांव गोट के अंदर कहीं ना कहीं चल रहे हैं, वल्दियाती या केएमसी के मसले हैं। तो इनकी तनख्वाह इन्हें टाइम पे नहीं दी जाती है और कम सैलरी में इन्हें रखा जाता है कॉन्ट्रैक्टी निज़ाम के अंदर, और वो भी उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती। आपने देखा अभी दिवाली का दिन था, दिवाली वाले दिन भी ईद, दिवाली एक बहुत बड़ी ईद होती है, सभी की ईद होती है, सबको एक महीना पहले एडवांस में सैलरी मिल जाती है, लेकिन इन्हें सैलरी नहीं मिली। और जब मिली तो एंड टाइम पर आकर जिस दिन ईद थी उसी दिन आकर सैलरी दी, वो भी बहुत इन्होंने शोर शराबा किया, वहाँ पर जाके धरना लगाया उसके बाद दी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन्हें सिर्फ यहाँ शहदादपुर में इनका मसला नहीं है, पूरे सिंध के अंदर हर जगह पे मसले मसाइल इनके चल रहे हैं। एक तो इनको सैलरी कम दी जाती है, यानी कि 25,000 मिनिमम सैलरी चल रही है, तो 10,000 रुपए से इनसे काम, ये बड़ा खतरनाक काम कर रहे होते हैं। हमें साफ सुथरा माहौल दे रहे थे, खतरनाक से मुराद है गटरों में हाथ डालना, नालियों के अंदर हाथ डालना, कचरा उठाना रात दिन, सर्दी हो गर्मी हो या धूप हो या कुछ भी हो, लेकिन ये लोग अपना वर्क कर रहे होते, अपना काम कर रहे होते, नहीं देखते कि हमारे घर में खुशहाली है या नहीं है। लेकिन बस यही है कि ये जो ठेकेदारी निज़ाम है वहाँ पर, और ठेकेदारी में रखा हुआ है लोगों को, इन्हें पक्का किया जाए बल्दिया के अंदर, इन्हें पक्का किया जाए और इनकी सैलरी जो है वो मिनिमम जो सैलरी है वो दी जाए, और जो इनके साथ जाती हो रही है इन्हें वक्त पे सैलरी दी जाती है, दो दो तीन तीन महीने हो जाते हैं। मेरी बिलावल साहब से भी रिक्वेस्ट है, सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट है, इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट है, और पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं जो गवर्नमेंट के जिम्मेदार इदारे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि सैनिटरी वर्कर जो है पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ इनके साथ ऐसा सलूक ना करें। आपके ये अपने हैं, आपके हैं, अकलीती कौम आपकी अपनी है, और पाकिस्तान को एक माहौल देना चाहते हो तो खुदा के लिए प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कब तक आखिर ऐसे जो इदारों के अंदर जो चोर बैठे हुए हैं, जो बेईमान किस्म के लोग बैठे हुए हैं, उन्हें निकाल कर बाहर फेंके, उन्हें निकाल कर बाहर फेंके, इनके मसले में सल क्यों देखे, इनसे एक्स्ट्रा काम लिया जाता है, इनका काम रोडों पे है, गलियों में है, कूचों में है, इनसे स्कूलों की सफाई कराई जाती है, जो गवर्नमेंट के जिम्मेदार लोग हैं उनके घरों में सफाई कराई जाती है, और जाके दूसरे इदारों में जो इदारे नहीं बनते केएमसी के उन इदारों में जाके इन्हें भेजा जाता है। तो खुदा के लिए प्लीज इन पे ख्याल करें, इनके छोटे छोटे बच्चे, महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है, अपने घर का गुजारा नहीं कर पाते, कब तक ये करेंगे। मैं इंसानियत के नाते, मेरी एक छोटी सी वेलफेयर है साजन होमनेटरी वेलफेयर ट्रस्ट, उसके नाते उसको सामने रखते हुए इंसानियत पे काम कर रहा होता हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी, किसी भी रंग नस्ल से क्यों ना ताल्लुक रखता है, हम सिर्फ इंसानियत को देखकर फॉलो करते हैं। मैं कराची में रहता हूँ लेकिन अंदरूनी सिंध से आए, मेरी पूरी टीम इनके साथ खड़ी है, और हम जब तक खड़े रहेंगे जब तक इनकी चीजें इनकी पूरी नहीं होती, इनके हकूक इनको नहीं मिलेंगे, हम यहीं बैठेंगे और यहीं धरना देंगे। नाम सुनील कुमार, शहदादपुर से, जो कि मैं सैनिटरी वर्कर हूँ। ये ठेकेदार निज़ाम के खिलाफ सर हम बहुत परेशान हैं, जो कि ठेकेदार जो कि अपनी मनपसंद तनखा देते हैं, जो कि गवर्नमेंट का मैक्सिमम इनाम है 25,000 रुपये दी जाए मजदूरों को तनखा, और हमें 25,000 रुपये नहीं मिल रहे, किसी पूरे सिंध के अंदर नहीं मिलते, कहीं 12,000 दी जाते, कहीं 10,000, कहीं 8,000 रुपये। तो हम जो ठेकेदार निज़ाम के खिलाफ हैं, हमें पक्का किया जाए और ठेकेदार निज़ाम खत्म किया जाए। हम बिलाल मुतालबा सर, ये मुतालबा ये ठेकेदार निज़ाम खत्म किया जाए, हमें पक्का किया जाए बस, नहीं तो 25,000 जो गवर्नमेंट का ऐलान है वो 25,000 रुपये में दिए जाए। हम धरना देंगे, नहीं धरना देंगे, जरूरत पड़ी तो हम सिर्फ हाउस भी जाएंगे, वहाँ जाकर भी धरना देंगे।